अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ हेलो किटी थीम केक का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम परफेक्ट स्पंज की कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं और स्पंज के सॉरी केक के जो एजेस हैं वो किस तरीके से नीट और शार्प बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो स्पंज कटिंग के लिए मैंने लिए यहाँ पे केक नाइफ, टर्न टेबल और केक नाइफ होना दोनों ज़रूरी है। देखिए, एक हाथ मैंने ऊपर रखा, उसकी मदद से टर्न टेबल को घुमाते हुए केक नाइफ पे पहले हल्के हल्के से कट लगा दी गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं मज़ीद इसकी कटिंग करती गई हूँ, लेकिन टर्न टेबल को घुमाते हुए ही। ठीक है, तो टर्न टेबल घुमाते गए हैं तो नाइफ़ की मदद से ये देखिए स्पंज की बहुत ही प्यारी सी कटिंग हुई है, कहीं से ये अनइवन नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये सारे के सारे टूल्स होना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपने जो अगर फ्रॉस्टिंग करनी है तो उसके लिए क्या क्या टूल्स होना ज़रूरी है। वैसे वह जो है बेकिंग के लिए क्या क्या सामान होना चाहिए वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, देख लीजिए कि आपको बेकिंग के लिए कौन कौन सा सामान चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि फ्रॉस्टिंग के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए होता है। ठीक है, व्हिपिंग व्हिप क्रीम को मैंने व्हिप कर लिया था और अच्छे तरीके से मैंने अप्लाई कर दिया है और वनीला फ्लेवर था तो बस इसमें और कोई फ्लेवर नहीं गया, तो मैं फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए चॉकलेट चिप्स ऐड करती हूँ। क्योंकि ये केक्स जो हैं मोस्टली बच्चे ही खा रहे होते हैं, बच्चों की बर्थडेज होती हैं तो बच्चों को ये अच्छे लगते हैं, चॉकलेट्स हो गई या चॉकलेट चिप्स वगैरह हो गए। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक अहम टिप देती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका केक बहुत नीट इवन और इसमें क्रम्स ना हो तो जो बॉटम लेयर होती है उसको आप टॉप पे रखा करें, जैसे मैंने रखी है। अच्छा, बॉटम लेयर में क्या होता है, जो बॉटम सरफेस होती है इसमें इसके जो क्रम्स होते हैं वो नहीं निकलते, तो इसकी वजह से हमारा जो क्रीम वर्क है वो बहुत प्यारा होता है, इसमें जो है क्रम्स नहीं आते और ये नीचे से बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप में होता है तो इसके एजेस भी बड़े ही नीट बनते हैं। ये एक बहुत अहम टिप है जो कि मैंने आपको दे दी है। और दूसरी टिप ये है कि आपने इसकी क्रम कोटिंग ज़रूर करनी है। क्रम कोटिंग जैसे आप तो देख रही हैं कि हल्की सी क्रीम लगाई है कि जितने भी क्रम्स हैं साइड वाले ऊपर अगर कोई क्रम्स हैं तो वो इस क्रीम में सेट हो जाएंगे। और क्रम कोटिंग करने के बाद इसको एक घंटा लाजमी फ्रिज में रखिएगा, क्रीम अच्छे से सेट हो जाएगी तो क्रम्स भी अंदर ही छुप जाएंगे। और स्क्रैपर की मदद से ना आप लोगों ने इसके एजेस को नीट करना है। क्रम कोटिंग में भी मैं स्क्रैपर लाजमी यूज़ करती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए अब मैंने इसको क्रीम को टच किया तो ये क्रीम बिल्कुल स्टिफ हो चुकी थी एक घंटे के बाद। अब मैं इसकी कर रही हूँ फाइनल फ्रॉस्टिंग। तो बस मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग में भरा और इस तरीके से टर्न टेबल को घुमाते हुए ही मैंने इसके ऊपर क्रीम की एक लेयर लगा दी है। बहुत ज़्यादा क्रीम मैंने यूज़ नहीं की। तो यहाँ पर आप देखते जाएँ कि अब भी मैं स्क्रैपर का ही यूज़ कर रही हूँ। स्क्रैपर से है ये क्रीम जो है इवनली स्मूथ होती है और आपका टाइम भी काफ़ी बच जाता है। और जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसको मैं स्पैचुला नाइफ से ही जो है वो स्मूथ करती होती है। तो बस टर्न टेबल को घुमाते जाना है और पैलेट नाइफ को एक साइड से हमने तिरछा पकड़ना है जिसकी वजह से जो है ना वो सारी क्रीम इवनली स्प्रेड होगी। और स्क्रैपर को हम साइड पे चलाएंगे तो जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम होती है ना वो ऊपर को आ जाती है। वो पार्ट थोड़ा सा मिस हो गया है, लेकिन देखिए स्क्रैपर चलाने से सारी क्रीम जो एक्स्ट्रा क्रीम होती है वो ऊपर को आ जाती है। और इस तरीके से बहुत ही हल्के हाथ से हमने वो ऊपर वाली क्रीम रिमूव करनी होती है तो एचेस जो हैं वो बड़े शार्प से बनते हैं। अच्छा जी, शार्प एचेस बनाने के बाद भी मैंने इसको एक घंटा फ्रिज में रखा था और अब मैं इसकी यहाँ पर कर रही हूँ ड्राॅइंग। अच्छा जी, फ्रिज में मैंने इसलिए रखा था ताकि क्रीम अच्छे से सेट हो जाए और मेरे पास केक डिलीवर करने में काफ़ी टाइम था तो इसलिए मैंने बड़ा स्लोली ये काम किया था। अच्छा जी, ये केक मैंने ही बनाया हुआ था और कस्टमर ने मुझे ही ये रेफरल पिक्चर दी थी तो बस उस पिक्चर को देखते हुए मैंने इसके ऊपर जो है ना आउटलाइन बना ली थी टूथपिक की मदद से। और आउटलाइन बनाने के बाद मैंने जो है इसमें इसकी जो ड्राॅइंग कर रही हूँ जो आउटलाइन कर रही हूँ फाइनल वो है गनाश। 30 ग्राम मैंने चॉकलेट ली थी और 15 ग्राम विपी विप डाली थी रूम टेम्परेचर पे और इसको मैंने माइक्रोवेव में जो है ना वो मेल्ट कर लिया था तो ये हमारी जो है बहुत ही अच्छी सी गनाश रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने जो है इसकी कैप की जो आउटलाइन थी वो कर ली है, इसकी चुन्नी मुन्नी सी आइज़ बना ली हैं और इसकी बड़ी बड़ी मूछें बना ली हैं। वो आपको पता है ना, मुछ नहीं थे कुछ नहीं, तो बस इसकी मूछें भी बनानी थी तो वो बना ली और चुन्नी सी नोज़ भी बना ली है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्टार नोज़ल है
और इसके पाइपिंग बैंग मैंने पिंक कलर की क्रीम ली है, यानी कि विपी विपी मैंने बस जस्ट पिंक कलर डाला, थोड़ा सा ब्राइट कलर था तो 3 to 4 ड्रॉप्स डाले और ये हमारा पिंक कलर बड़ा सा प्यारा सा बन गया है। और अब मैं इसके टोपे की फिलिंग कर रही हूँ, मतलब इसकी कैप बना रही हूँ, तो उसमें बस ये स्टार लगाती जा रही हूँ, तो ये बहुत ही क्यूट सी इसकी कैप बन जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी फिलिंग कर देनी है। और नीचे भी मैंने बॉर्डर बनाया था इसी स्टार नोजल की मदद से। पहले मैंने वाइट फ्लावर्स लगा लिए थे एक एक गैप से, और अब उस गैप में जो जगह बच गई थी तो वो मैंने पिंक लगा दिया बॉर्डर, तो ये बॉर्डर भी कंप्लीट हो गया, उसकी नोजी भी कंप्लीट हो गई, बच्ची का नाम भी लिख लिया। और ये केक आपको कैसा लगा आपने आज? तो जी, आज की वीडियो में मैंने आपको जो पॉइंट बताना चाहे वो आपको समझ में आए हैं या नहीं, क्लियर हुए हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद भी गाइड करती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि बस मैंने एक दफ़ा गाइड कर दिया तो बस, नहीं, साथ साथ मैं आपको ये पुरानी इन्फॉर्मेशन न्यू इन्फॉर्मेशन सारी मिक्स एंड मैच करके आपको देती रहा करूँगी। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरी पुरानी सारी वीडियोज़ देखें, वो भी आपके लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि सिर्फ आपका फ़ायदा ना हो बल्कि दूसरों का भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।